तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, अंधे में काना राजा, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला कि हम यहां पढ़ क्या रहे हैं, बताओ इसका तो कोई मतलब ही निकला कि नहीं निकला कि हम यहां कर क्या रहे हैं। यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमें पहले दिखना चाहिए। दूसरी बात, मैं एकदम जेन्यून बच्चों की तरह तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपनी कमजोरियों का रोना रोने से ना कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं या फिर हमारे अंदर कुछ कमियां होती है तो हम चाहते हैं कि हम किसी को बताएं और उससे इमोशनल सपोर्ट ले, उससे सहानुभूति ले। वो कहे कि हाँ यार तेरे साथ तो गलत हुआ है, कोई बात नहीं। तो हमको लगता है हाँ यार मैं आज क्यों फेल हूं, इसका रीजन मेरा मेहनत नहीं, मेरी कमियां हैं, और मैंने लोगों को बता दिया तो लोग मुझे इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं। डैश तेरा, लोग ना उसको 10 सेकेंड में भूल जाएंगे पहली बात, और कोई मदद तुम्हारा नहीं करेंगे। दुनिया में कोई तुम्हारी कमियों को और तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। 1 सेकेंड के लिए तुम्हें कुछ समझा भी देगा ना और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं आज क्यों अनसक्सेसफुल हूं, मुझे क्यों दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैंने 11th 12th में नहीं पढ़ा। इससे क्या फर्क पड़ता है, तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस दिन तू बोलेगा कि मैं 11th 12th में नहीं पढ़ा था। आज मैं तुम्हें समझा दूं, हाँ यार थोड़ा दिक्कत तो होगा, 11th 12th में तूने नहीं पढ़ा था, दिक्कत होगा, इससे मिलेगा क्या? ये कॉम्पिटिशन है, क्या मिल जाएगा? दूसरी बात, जब हम अपने कमियों को हम शेयर करते हैं ना तो दूसरा सामने वाला उसका गलत फायदा भी उठाता है। ये दुनिया बहुत जालिम है, मजाक नहीं कर रहा हूं। कई बार मुझे भी लगता है कि अरे यार मेरे साथ ना बहुत समस्या चल रही, तो मैं 4 लोगों को बताऊं तो 4 लोग क्या करेंगे, 4 लोग मुझे समझाएंगे, अरे नहीं नहीं देखो यार होता रहता है, लाइफ ऐसा ही है, ये अप एंड डाउन आते हैं, और जाके उसी कमियों का, मेरे कमियों का मजाक बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने मजबूरी का, अपने कमियों का, अपने प्रॉब्लम्स को जब शेयर करते हैं तो 99% लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसका गलत फायदा उठाएंगे, और जो बहुत अच्छे लोग होंगे वो भूल जाएंगे, जो बहुत अच्छे लोग होंगे भूल जाएंगे। एक बच्चे का मैसेज भी आया मेरे पास कि सर 2022 में मैं आपसे पढ़ी थी और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों ने मेरे से बात नहीं किया और मैं इसलिए कोटा चली गई किसी एक्स कोचिंग में पढ़ी और आज भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन आज मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं। हाँ तुम्हारे साथ हैं, क्या घर वालों को ये जाके बताओगे कि मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं? कोई बात नहीं, कोटा जाके हमने ये कमाया कि मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं, क्या फायदा? 2 मिनट समझा देंगे, वो टीचर तुमको याद नहीं रख रहा, भूल गया भाई। कोई किसी से मतलब नहीं है इस दुनिया में, तुम्हें खुद मजबूत बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं थोड़े बच्चे ज्यादा होते हैं, तुमने किसी मैसेज किया होगा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूंगा, मेरी गलती है, मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा इमोशनल सपोर्ट से? ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर है, लोगों को ना सहानुभूति चाहिए, और इंडिया में खासकर हमेशा हम अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने, और लोगों से इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, क्यों? और सच्चाई यह है कि लोग भले ही उस समय एक्टिंग कर दे, लेकिन बहुत अच्छा लोग होगा तो उसको भूल जाएगा, खराब होगा तो उसका मजाक बनाएगा, और बहुत ज्यादा खराब होगा तो उस प्रॉब्लम का, उस मजबूरी का गलत फायदा उठाएगा। अब 3 ही सिचुएशन क्रिएट होगा, बहुत अच्छा आदमी से तुम शेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, लेकिन उसका, उसको याद नहीं रहेगा, कल वो भूल जाएगा, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। थोड़ा खराब होगा तो उसका मजाक बनाएगा, और बहुत ज्यादा खराब होगा तो उसका गलत फायदा उठाएगा। तो मत बनो कमजोर, लड़ो और आगे बढ़ो, कोई और ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं सुनो। और जो भी इंसान है ना इस दुनिया में, जितने भी है ना, सब अपने अपने समस्या में, कोई तुम्हारा नहीं सुनेगा। तुम जाके चाहे किसी के पास कितना रो लो, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, कमजोर अपने आप को साबित करने से कुछ नहीं होगा। क्यों कमजोर साबित करना? क्योंकि कुछ इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा। कुछ नहीं होता, मतलब बहुत सच बात बता रहा हूं, किसी को ना डैश फर्क नहीं पड़ता है किसी के डैश प्रॉब्लम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से बता रहा हूं, खुद फेस किया है, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा एक्सक्यूज, कोई नहीं सुनेगा। बड़ा ये बड़ा अजीब सा रियलिटी कि तुम अगर कट ऑफ को क्रॉस कर गए तो तुम डॉक्टर बन गए, दुनिया पीठ थपथपाएगी, ये नहीं देखेगी तुमने कितना संघर्ष किया, नहीं किया, तुमने सच में मेहनत किया था कि नहीं किया था। अगर तुम उस कटऑफ से नीचे आ गए, तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तो दुनिया तुमको गाली देगी तुमने नहीं पढ़ा था। दुनिया को डैश फर्क नहीं पड़ता है तुमने कितना मेहनत असल में किया था,
तो दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ करो ही मत और दुनिया के सामने रो ही मत, खुद मजबूत बनो, खुद संघर्ष करो और आगे बढ़ो। समझ गए? कोई मतलब नहीं है किसी के सामने रोने से, किसी का इमोशनल सपोर्ट लेने से। क्या ये